क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। छोड़ो नहीं अरविंद प्लीज हटो हटो। ये मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हारी बहन दूसरे कमरे में ही है। होगा मिल से रहे। ये आवाज कौन से आ रही है? कौन है? बचाओ! दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? भैया भैया ये किसकी आवाज है? भैया क्या कर रहे हो? क्या हो रहा था तुम्हारे साथ अंदर? बताओ सबको, बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? अंकल पूछो इससे क्या हो रहा था इसके साथ। देखो तुम डरो मत मेरे भाई से, सबको बता दो। तनिषा ये क्या तमाशा लगा रखा है? पल्लवी तुम्हें कोई तकलीफ है? बताओ बताओ इन सबको बताओ। जी नहीं।
शायद तनिषा को कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। चलो चलो, लगता है बच्चे को घबरा गई। चलो चलो अंकल, एक मिनट। माफ करना अंकल, ये पागल है थोड़ी। जो आज तूने किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। आज के बाद तेरा और मेरा भाई बहन का रिश्ता खत्म। अब तू मेरे घर में एक लड़की को लाकर उसके साथ जबरदस्ती करेगा? प्यार करता हूं मैं उससे, पत्नी बनने वाली हो मेरी। होने वाली पत्नी हो या फिर पत्नी हो, तुझे ये किसने हक दिया कि एक लड़की के साथ तू जोर जबरदस्ती करे? और तू जैसे नाकारा काम चोर के साथ कौन सी लड़की प्यार करेगी? वो तो आप देख ही लेंगे, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे? उस दुनिया में जरा सा मुझसे कोई प्यार क्या करने लग जाए, आपके दिल में तो आग लग जाती है। यही क्या आपने एक भिखारी जैसी जिंदगी दी आपने, और उसमें भी दखल अंदाजी करते रहे। देखा देखा कितनी जुबान हो गई है इसकी। अब शांत हो जाइए ना। बस बस बहुत हो गया, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। अब जो भी होगा इसका फैसला मैं करूंगा। आज के बाद अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे काम करना होगा, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। भाई बात समझ में, भाई समझ में ना बात। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आपने कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसे। मैं तो पहले से ही जानता था कि अरविंद गलत रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से खामोश रहा। उससे कह देना कि उसके लिए मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है, कल से जाना शुरू कर दे। ठीक है, खुद अकल आ जाएगी उसे। जनाब कोई टाइम है आने का? तुम्हारे पिता के कहने पर तुमको काम पर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको निकाल नहीं सकता। सामान उठाओ, काम पर लगो। शर्मा जी, ये घड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, इसकी कीमत कितनी होगी? तुम्हारी काबिलियत से बहुत महंगी है बेटा, काम पर लगो चलो। अरे कोई तो कीमत होगी, क्या मैं लगाऊंगा? मतलब क्यों? सही है ना? मगर ये तो मेरी बहन है। हाँ तुम क्या हो गया, अब बिकने वाली चीज किसी ना किसी की बहन ही होती है, कीमत सही लगेगी नहीं? जीती रहो, खुश रहो, खूब अच्छे से परीक्षा देना, तरक्की करना। जी माँ। चलो चलो जल्दी जल्दी, मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें। और पापा आपकी क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ दूंगा ना इसे। ये आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जरूरत कैसे नहीं है, भाई है तुम्हारा, छोड़ देगा ना। जाओ बेटा। मम्मी जाओ अभी। चला तनिषा, आ जा। क्या हुआ भैया, बाइक क्यों रुक गई? पता नहीं, मुझे लगता है फिर से कुछ खराबी हो गई है शायद। खराबी? पर यह मेरा एग्जाम है और सब कुछ इसी एग्जाम पे निर्भर करता है। हाँ तो रुकना, मैं कुछ करता हूँ।
भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ रुकना। ये मेरे बॉस हैं, ये तुझे छोड़ देंगे। पर भैया। अरे ज़्यादा सोच मत, लेट हो रहा है तुझे एग्जाम के लिए। चल बैठ जा। अरे जा ना, लेट हो जाएगा। जा। पर भैया आपने बोला था आप ड्रॉप करेंगे। अरे मैं क्या करूँ, मेरी बाइक खराब हो गई तो। चल ना, बॉस है मेरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चल जा। हाँ आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। चल जा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सब हो गया। तनिषा हमसे झूठ बोलती रही। मैंने उसे एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठे हुए देखा, और जब मैं उसे सवाल करने गया तो उस आदमी ने और गुंडों ने मेरा यह हाल कर दिया। क्या हुआ माँ, ऐसी क्यों देख रहे हो? चला जा रही हूँ, वरना तेरे पापा तो जहाज मार देंगे। वरना ऐसे शैतान को तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। मैं बस देखना चाहता था कि लड़का कितना नीचे गिरेगा। पापा वो आज तुझे मारकर इस झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता हूँ। हाँ, तो अपनी बहन को बेचेगा, गोली लगाएगा तो। हाँ, आज के बाद हम लोगों को अपनी शक्ल मत दिखाना, जाए यहाँ से। भाई तो अपनी बहन की रक्षा करता है ना, और तुमने मुझे बेचने की कोशिश की। तुम इतना कैसे गिर गए भैया जी? मुझे तो तुम्हें भाई कहने में भी शर्म आ रही है। चला जा अरविंद, चला जा यहाँ से। ऐसे नहीं जाने वाला मैं, मुझे मेरे घर का हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा? आज से तुम हम सब के लिए मर चुका है। अब से जो कुछ भी मेरा है वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। निकल जा इस घर से। तो तब तक ही है जब तक वो जिंदा है।
तू यहां? माफी के लायक तो नहीं हूं, पर फिर भी मुझे एक बार एक बार माफ कर दूंगा। तो बहुत पापी हूं। क्या आप इसे माफ करेंगी? भगवान भी एक मौका देता है, आखिर माँ बाप है हम उसके। मुझे भी भैया की आंखों में सच्चाई दिखती है पापा, आप इसे माफ कर दो प्लीज पापा, सिर्फ एक मौका। माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मौका दे सकता हूं। थैंक यू पापा, मैं वादा करता हूं आज के बाद आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भैया मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं सच में बहुत खुश हूँ ये बात जानकर। सच ही कहते हैं कि अगर आप कोई चीज दिल से चाहते हो वो आपको सच में मिल जाती है। माँ इसके लिए तो सेलिब्रेशन बनता है, इसके जाने से पहले हम केक जरूर कट करेंगे। पर भैया केक की क्या जरूरत है? चुप कर, हम बहुत मजा करेंगे। बेटा हा? मैं कुछ मदद कर दूं? ना ना माँ, अब तो सारा काम हो चुका है, तू कभी खुद से तो मुझे कुछ करने दिया कर। तू जा, मैं आता हूं। चलिए बदल गया है ना ये, भगवान करे किसी की नजर ना लगे। सच में माँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बस बस बस, ऐसा नहीं लगता है कि अपनी राय कायम करने में तुम दोनों बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हो। पापा भैया सच में बदल गए, अब आएगा ना तो देखिएगा।
चलो 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 सारे आ जाओ, केक कटिंग का टाइम हो गया है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी बहन। लो केक काट। हाँ बेटर मैं देखता हूं। हेलो, तुमने मुझे बुलाया? आओ अंदर आओ। माँ पापा की पल्लवी है। जिस तरह मैं आप लोगों का गुनहगार, उसी तरह मैं पल्लवी का भी गुनहगार। पल्लवी मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। हैरान होने की जरूरत नहीं है पल्लवी, भाई सच में बदल गए, तुम भी उन्हें माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो प्लीज केक कटिंग तक जाओ। हाँ बेटा, खुशी का मौका है, केक खा के जाओ। जी चले चले केक काट दो। हाँ बेटा। ये लीजिए मम्मी। अरे नहीं, उनको खाओ ना, मैं फोटोज लेता हूँ। फोटोज